Hello, welcome to all of you guys at our own channel, Book Hive Educator. As you know, I am Vikas Srivastava, the teacher of English. So guys, आज हम सबसे बड़ी confusion clear करने जा रहे हैं. वो सबसे बड़ी confusion, you know what? बच्चे कहते हैं सर माई, एम वाई, माई का मतलब होता है मेरा. एक बच्चा कहता है सर माइन, माइन का भी मतलब मेरा. अब difference तो है और confusion तो बहुत ज्यादा है. और अगर paper के point of view से देखा जाए तो भाई पेपर में तो न जाने कितने सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं रिलेटेड टू माई, माइन. कुछ कहते हैं योर, कुछ कहते हैं योर्स. तो कुछ बच्चे का ये कहना होता है ना कि सर योर सिंगुलर है और योर्स प्लूरल है. अरे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि योर सिंगुलर और योर्स प्लूरल. ये प्रोनाउन और एडजेक्टिव का खेल होता है. देखते हैं चुटकियों में आप सीख करके जाओगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. बस आप देखते रहो ये वीडियो, पसंद आ जाए, अगर दिल कहे कि हाँ समझ आया तो लाइक जरूर करना, कमेंट जरूर करना. अगर समझ आ गया तो बहुत आराम से समझाऊंगा, रूल्स रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी. एक बार देखते हैं कि ये होता क्या है गाइस. ठीक है, फटाफट देखो, आराम से देखते हैं हम. सबसे पहले मैं यहां लिख रहा हूं माई, ओके, आर, योर, हिज, हर एंड देयर. यही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है गाइस. देखो इसको इंग्लिश में नाम दिया गया कुछ, और यहां पर मैं लिख रहा हूं माइन, आर्स, योर्स, हिज, हर एंड देयर्स. सबसे बड़ी कंफ्यूजन तो इसी में है, कोई बात नहीं है, टेंशन मत लो. इंग्लिश में इसको एक नाम दिया गया है, इसे हम बेसिकली कहते हैं पॉसेसिव प्रोनाउन. बहुत अच्छी बात है भाई, ये पॉसेसिव प्रोनाउन है, टेंशन की बात नहीं है. और इसे इंग्लिश में कहा गया है पॉसेसिव एडजेक्टिव. ये क्या होते हैं भाई, ये तो एडजेक्टिव होते हैं. यानी कि सबसे पहला जो डिफरेंस हमें दिखा वो ये डिफरेंस है कि दिस इज व्हाट, दिस इज एन एडजेक्टिव एंड दिस इज प्रोनाउन. बेसिक डिफरेंस तो ये हो गया. अब क्वेश्चन कैसे बनेंगे देखते हैं. क्वेश्चन बनाने से पहले मैं चाहूंगा कि आप एक बार छोटी सी बात एक बार समझ लो, ताकि रूल से रट्टा मारने की जरूरत ना पड़े. भाई देखो एडजेक्टिव जो होता है इसका एक बहुत बड़ा रोल होता है, कहता है कि ये किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताएगा. भाई बिल्कुल अच्छी बात है भाई, नाउन और प्रोनाउन के बारे में बताएगा, क्या बता सकता है, उसका डिटेल्स देगा. डिटेल्स देने का मतलब क्या होता है, एक एग्जांपल देखो. मैंने कहा दिस इज अ न्यू कार. भाई ये जो कार है, कार के बारे में क्या डिटेल्स है, भाई नई है और एक है, तो कहीं ना कहीं डिटेल्स है. तो डिटेल्स देने का काम किसका होगा, एडजेक्टिव का. तो मैं कहूंगा कि ये एक एडजेक्टिव है, ये भी एक एडजेक्टिव है. आप कहोगे ये तो गलत पढ़ा रहे हो सर, ये तो आर्टिकल है. बेटा आर्टिकल होता है ए एन द, आर्टिकल बिल्कुल होता है, बट इंग्लिश में पार्ट्स ऑफ स्पीच में इसे एडजेक्टिव माना गया है और उसे ही हम डिटरमिनर का नाम देते हैं. ठीक है, हम देखेंगे रिस्पेक्टिव, जैसे जैसे आपकी वीडियोस आएगी आप देखते रहोगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. अभी आपको यह समझना है कि यस दिस इज एन एडजेक्टिव, और सोच करके देखो कि इस कार के बारे में क्या डिटेल्स है. वी हैव सम डिटेल्स ऑल्सो, वॉट, कि कार एक है और कार नहीं है. अगला एग्जाम्पल देखो, राहुल हैज टू बुक्स. राहुल के पास भाई कितनी किताबें हैं, दो किताबें हैं. तो बुक्स के बारे में क्या डिटेल्स है, टू बुक्स हैं. सो दिस इज व्हाट, दिस इज एन एडजेक्टिव. तो बेसिकली एक एडजेक्टिव का जो रोल होता है वो यही होता है कि किसी नाउन या प्रोनाउन का डिटेल्स देना. तो एक बात हम ध्यान रखेंगे कि जब कभी भी अगर आप किसी एक एडजेक्टिव का यूज करो, ठीक है समझना, और हमने एक नाउन का डिटेल्स दिया और इस एडजेक्टिव, जिसे आपको पता है कि एडजेक्टिव का यूज जब मैं करूंगा तो किसी नाउन प्रोनाउन का डिटेल्स दूंगा, तो जब एडजेक्टिव का यूज अपने बाद आने वाले नाउन का डिटेल्स देने के लिए किया जाए तो इसे हम कहते हैं एडजेक्टिव का कैसा यूज कहेंगे बेटा, इसे कहते हैं एट्रिब्यूटिव यूज. कैसा यूज कहेंगे हम, एट्रिब्यूटिव यूज.
यानी कि एक एडजेक्टिव आया और वो अपने बाद आने वाले नाउन का डिटेल्स दे, सो दैट इज कॉल्ड एट्रिब्यूटिव यूज ऑफ एन एडजेक्टिव। छोटी सी बात याद होगी, यहां पर देखो इस एडजेक्टिव का यूज हमने बाद आने वाले नाउन का डिटेल्स के लिए किया, सो दिस इज व्हाट एट्रिब्यूटिव यूज। इस एडजेक्टिव का यूज बाद आने वाले नाउन का डिटेल्स देने के लिए किया, एट्रिब्यूटिव यूज। कितना तो आसान है, ठीक है। वापस आते हैं, क्या लिखा है एडजेक्टिव, बिल्कुल ठीक है। अब मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊंगा, आपकी सारी टेंशन ही खत्म हो जाएगी। क्या कि ये एट्रिब्यूटिव यूज होता है, तो भाई ये जब एट्रिब्यूटिव यूज होता है तो एट्रिब्यूटिव यूज में क्या चाहिए होता है, एडजेक्टिव के बाद नाउन, मतलब कि इसके बाद मुझे एक नाउन का यूज एनी हाउ करना होगा। सोचो थोड़ी देर के लिए कि मैंने इसके बाद भी एक नाउन यूज कर दिया, समझ के देखो, अगर मैंने इनके बाद भी एक नाउन यूज कर दिया तो ये क्या बन जाएगा, ये फिर से एडजेक्टिव बन जाएगा, क्योंकि एडजेक्टिव के बाद नाउन आता है डिटेल्स देने के लिए। तो अगर मैं इनके बाद नाउन का यूज करूं तो ये भी एडजेक्टिव बन जाएगा, जबकि मुझे मालूम है कि सर दिस इज नॉट एडजेक्टिव, दिस इज प्रोनाउन। तो करे क्या, कुछ नहीं, नाउन हटा दो। यानी कि सबसे बड़ा डिफरेंस ये आया कि माई, आर, योर, हिज, हर एंड देयर के बाद नाउन का आना मैंडेटरी है, और माइन, आर्स, योर्स, हिज, हर्स, सॉरी इट शुड बी हर्स, हर्स एंड देयर्स के बाद नाउन नहीं आएगा। बच्चों जनरली किताबों में या फिर कुछ लोग ऐसे ही बता देते हैं कि इसके बाद नाउन आएगा, इसके बाद नाउन नहीं आएगा, बट मैंने आपको ये बताने की कोशिश की है कि क्यों नहीं आएगा और क्यों आएगा, क्योंकि अब अगर आप क्यों का रीजन जानते हो तो आपको अब ये रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। आपको इतनी बात जरूर समझ आ गई कि सर ये तो एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव का एक यूज होता है एट्रिब्यूटिव यूज, और एट्रिब्यूटिव यूज में हम क्या करते हैं कि एडजेक्टिव के बाद नाउन रखते हैं, इसलिए इसका यूज एट्रिब्यूटिव होगा। हमने रख दिया इसके बाद नाउन। सर इसके बाद नाउन में इसलिए नहीं रखूंगा क्योंकि अगर मैं नाउन रखता हूं तो ये क्या बन जाएगा, एडजेक्टिव बन जाएगा और ये एट्रिब्यूटिव यूज हो जाएगा, जबकि मुझे मालूम है कि सर ये तो एडजेक्टिव है ही नहीं, ये प्रोनाउन है, तो इसके बाद नाउन नहीं आएगा। ये छोटी सी बात है। अब इसके ऊपर दुनिया भर की एग्जांपल्स आते हैं पेपर में, करके देख लो, टेंशन नहीं लेनी है, एक भी क्वेश्चन रॉन्ग सही का। आगे देखते हैं, अब कुछ एग्जांपल देखते हैं कैसे क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं। फटाफट कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं बच्चों। क्या है एग्जांपल, दीज आर देयर और देयर्स बुक्स। भाई कोई टेंशन नहीं है, बस इतनी सी टेंशन है कि ये तो नाउन है, यस बिल्कुल नाउन है ये, तो जब नाउन है तो भाई इसके पहले क्या चाहिए, प्रोनाउन चाहिए या एडजेक्टिव चाहिए। भाई पहले तो देख लूंगा कि देयर क्या है, भाई देयर तो एडजेक्टिव है, हमने कर दिया एडजेक्टिव, और देयर्स क्या है, देयर्स तो प्रोनाउन है, तो भाई बाद में नाउन किसको चाहिए होता है, एडजेक्टिव को या प्रोनाउन को। बिल्कुल सही समझा, एडजेक्टिव को चाहिए होता है, सो द राइट आंसर इज देयर नॉट देयर्स। अगर मैं ये कहूं कि दिस कार इज माई और माइन, अब मुझे ये पता है कि माई तो एक एडजेक्टिव है और माइन जो है वो एक प्रोनाउन है, भाई आगे तो नाउन नहीं है, आगे नाउन नहीं है तो एडजेक्टिव नहीं जाएगा, एडजेक्टिव नहीं जाएगा, क्या जाएगा, नाउन नहीं है तो प्रोनाउन। छोटी सी बात है, मजेदार बात है, ये बिल्कुल याद करके जाओ, लेकिन आपके दिमाग में एक बात जरूर घूम रही होगी, मुझे ऐसा फील हो रहा है, ठीक है, और जो फील हो रहा है वो मुझे जरूर आपसे कहना चाहिए। क्या फील हो रहा है कि किसी बच्चे ने, देखो बच्चे की नज़र ना बड़ी गजब की होती है, जो स्टूडेंट होते हैं ना, मैं ऐसे देखते रहते हैं कहीं से कुछ गलती, सही तो है ही, टीचर पढ़ा रहे हैं तो सही है, गलतियाँ जरूर ढूंढेंगे, तो गलती आप में से जरूर किसी एक ने ढूंढ ली होगी कि सर आपने दोनों जगह हिज लिख दिया है, अरे बाबा रे ये तो बहुत बड़ी गलती है ना। नहीं, मैंने ये जानबूझ के लिखा है। क्यों जानबूझ के लिखा है, देखो एकमात्र ऐसा ये हिज है जिसकी स्पेलिंग में कोई डिफरेंस नहीं है, चाहे तो ये एडजेक्टिव बना दो,
चाहे तो आप इसे प्रोनाउन बना दो, कोई टेंशन नहीं है, बाकी सबकी स्पेलिंग में डिफरेंस है। यानी कि सर इसका मतलब तो ये बात हो गई ना कि अगर हिज के बाद नाउन आ गया तो ठीक है, बिल्कुल ठीक है, और अगर हिज के बाद नाउन नहीं आया तो भी ठीक है। कैसे देखते हैं, अब दो सेंटेंसेस लिख रहा हूं, ध्यान दो। दिस इज हिज बैग, ठीक है, दिस बैग इज हिज, ठीक है, कोई टेंशन नहीं लेनी है। अब देखो यहां पर बैग नाउन है, तो भाई आगे नाउन है किसके बाद आता है, एडजेक्टिव में आता है, यानी कि यहां पर हिज क्या बन गया, एडजेक्टिव बन गया, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन इस हिज के बाद तो नाउन नहीं है, हिज के बाद नाउन नहीं है, तो यहां पर देखना बाद नाउन नहीं, तो हिज क्या बन गया, प्रोनाउन बन गया। यानी कि सेंटेंस दोनों करेक्ट है, लेकिन सर मजा नहीं आ रहा ये बोलने में, है ना, दिस बैग इज हिज। बेटा क्या होता है ना कि हम हिंदुस्तानी हैं, ठीक है, और क्रेज है इंग्लिश बोलने का, तो हम अंग्रेजी बोलेंगे, चाहे धनिया पत्ते वाले से अंग्रेजी बोल लें, है ना, चाहे आलू बेचने वाले से अंग्रेजी बोलेंगे जरूर हम, क्योंकि हमारी डिग्निटी के खिलाफ है कि हम अगर अंग्रेजी ना बोले, हमें लगता है कि यार इट्स बिलो माई डिग्निटी। लेकिन बोलो बेशक, उसको ना बेस मत मानो, उस इंग्लिश को ना स्टैंडर्ड मत मान लो कि नहीं जो मैं बोल रहा हूं वही ग्रामेटिकली करेक्ट है, क्योंकि स्पोकन अलग की दुनिया है और यहां की जो चीजें हैं ना, जो एग्जामिनेशन में आपके आएंगे ना, दैट इज टोटली डिफरेंट वर्ल्ड, ठीक है। तो ये हमें बिल्कुल भी नहीं देखना है कि बोलने में मजा आ रहा है या बोलने में मजा नहीं आ रहा है, बोलने के बेस पर क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। कई बार हम ऐसे भी बोलते हैं, कुछ पूछता है कोई, हु इज दैट, या इट्स मी, खुश होते हैं, वाओ परफेक्ट इंग्लिश, आज तो अंग्रेजी बोली है, कौन सी अंग्रेजी, इट्स मी। पेपर उठा के तो देखो एक बार, हिल जाओगे, इट्स मी रॉन्ग होता है, क्या करेक्ट होता है, इट्स आई। इसलिए मैं कह रहा हूं कि बोलने के भरोसे पे नहीं जाना है कि कौन सा सही है, कौन सा गलत है, कौन सा मजा आ रहा है, कौन सा मजा नहीं आ रहा है, कौन सा सेट हो रहा है, बिल्कुल भी नहीं करना है। करना क्या बच्चों, ग्रामेटिकली देखना है, किसी भी एंगल से कोई बता दो कि ये गलत है, ये सही क्यों हुआ, क्योंकि आगे नाउन है, तो आगे नाउन है तो पहले क्या चाहिए, एडजेक्टिव चाहिए, हमने कर दिया हिज, तो यहां पर हिज क्या बन गया, एडजेक्टिव। यहां पर कहता है आगे नाउन नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, नाउन नहीं है, यहां पर क्या बन गया, ये प्रोनाउन बन गया, दिस इज द डिफरेंस। आप कहोगे कि दोनों जगह स्पेलिंग सेम है, बिल्कुल ठीक है, बट यहां पर मैं कहूंगा कि दिस इज एन एडजेक्टिव, दिस इज व्हाट अ पॉसेसिव एडजेक्टिव, एंड दिस इज अ पॉसेसिव प्रोनाउन। तो गाइज आई होप आपको ये बेसिक बातें समझ आई गई होंगी, अगर ये समझ आ गया हो तो फटाफट एक बार कमेंट जरूर करना कि समझ आया कि नहीं आया, लाइक जरूर करना है, सब्सक्राइब तो बिल्कुल भी आपको नहीं छोड़ना है, सब्सक्राइब तो करना ही है, क्योंकि आगे हमारी बहुत आउटस्टैंडिंग वीडियोस आने वाली है, और नाम याद रखना विकास श्रीवास्तव, सब कुछ पढ़ा के भेजूंगा, घबराने का नहीं। थैंक्स अ लॉट गाइज, मिलते हैं अगली क्लास में, थैंक यू वेरी मच।